स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो फिर बेटा सब्सक्राइब भी करो और दूसरे बच्चों को बेटा शेयर करो। आज हमें cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x ये प्रूफ करना है। तो cos 3x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x प्लस x। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, cos a cos b माइनस sin a sin a। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले हैं, सब में कॉस आ रहा तो हम रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बाहर कॉस एक्स चल रहा था, चलने दो। साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और बाहर क्या चल रहा है, साइन एक्स। कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स का करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। हमें कहीं भी साइन नहीं दिखना चाहिए क्योंकि प्रूफ में कॉस आ रही है, तो ये तो ठीक रहेगा, ये भी ठीक है, ये थोड़ा साइन स्क्वायर एक्स गलत है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स बाहर चलता रहेगा। ये आ गया 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और चाहो तो ऐसे कर लो है कॉस एक्स, बल्कि ऐसे कर लो, ये स्टेप थोड़ा हम लोग इरेज कर देते हैं ये वाला। अभी स्टेप अभी क्या करते हैं, ये ऐसे रखते हैं, ये ऐसे रखते हैं, ये भी ऐसे रखते हैं, इस कॉस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना। अब 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखो हमारा रिजल्ट बन रहा है, 2 कॉस क्यूब एक्स 2 कॉस क्यूब 4 कॉस क्यूब एक्स मिल रहा है, माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स मिल रहा है। थैंक्स अ लॉट बेटा।